अब चलते हैं हम विद्धेश्वर संहिता के चौथे अध्याय की तरफ। सनत कुमार व्यास संवाद। सूत जी कहते हैं, हे मुनियो, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। बहुत पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां जा पहुंचे। मेरे गुरु ध्यान में मग्न थे। जागने पर अपने सामने सनत कुमार जी को देखकर वे बड़े तेजी से उठे और उनके चरणों को स्पर्श कर उन्हें अर्घ्य देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर सनत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी है। यह जब जीवन में आ जाता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला। इस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सदा एक सा रहता है। सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, हे महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेकानेक साधनों के भ्रम में पड़ा घूमता हुआ तपस्या करने मद्रांचल पर जा पहुंचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी नंदिकेश्वर वहां आए और स्नेह पूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। यह बात मुझे स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव ने बताई है, अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित सनत कुमार ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृतांत का संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, आपने श्रवण कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस प्रकार, किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के मोक्ष मिल सकता है?